के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स में एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं आपका जो चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का टेंजेंट एंड नॉर्मल इस चैप्टर में ये प्रूवमेंट है वो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परपस से तो इस प्रूवमेंट को आप बिल्कुल भी मत छोड़ेगा अगर बात करें कि एग्जाम में कैसे आ सकता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू फाइंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर अगर आप

रहे हैं उसमें आपको समझा देंगे वरना आपको ये जो फिगर में समझ में नहीं आएगी कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से शुरू करें तो अभी एक क्लिप लगा रहे हैं उसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से को बनाना है

तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाया गया है अब हम प्रूफ करेंगे कि टेन फाइव बराबर आर डी थीटा ओवर डी कैसे होता है सबसे पहला स्टेप क्या होगा हम क्या करेंगे इसके बारे में लिखेंगे लेट करके कि आर बराबर एफ थीटा क्या है एक कर्व है जो कि पोलर फॉर्म में है फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम इसके बारे में ये जो फाइव है फाई भाई यहाँ पर क्या है ये लाइन हमारी कौन सी है टेंजेंट है और इस टेंजेंट की लाइन का नाम हमने क्या दे रखा है पी और उसके और ओ -पी, लिख देंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा लेट करके कि आर बराबर एफ द एंगल बी, बी, बी कर्व इन पोलर फॉर्म एंड लेट फाइव बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट पीटी बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है कि जो है, है, वो एक कर्व है, कोई कर्व है, जो कि पोलर फॉर्म में है। और ठीक है और दूसरा ट्रायंगल ये बनना है ये ध्यान से देखेंगे. तो मतलब कि दो इसमें बनना है और दोनों का भी यूज भी किया जाएगा पहली बात आप क्या करेंगे इस ट्रायंगल का यूज करेंगे इसका नाम क्या है क्यू पी और एम इसको अगर हम आपको साइड में अलग से बनाकर दिखाएं तो ये देखिए ये है हमारा Q, ये है P और ये है M. अब ये वाला जो एंगल है वो 90 यहाँ पर मान रखा है जब ये वाला फाइव एंगल था तो ऊपर वाला भी फाइव होगा मतलब ये एंगल क्या हो गया है फाइव हो गया है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसी वाले एंगल में क्या लगाएंगे टेन फाइव का फॉर्मूला लगाएंगे यानी आपको पता होगा पढ़ा होगा टेंथ क्लास से ही पढ़ते रहे होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा जल्दी से बताइए क्या होता है थीटा बराबर बटे आधार यही तो होता है लम बटे आधार अगर इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यही तो होता है तो क्या किया हमने यहाँ पर पहले तो इस इस वाले एंगल को हम लेंगे ट्रायंगल को और हमने क्या लिख दिया q इज इक्स लिमिट लगा कर लिख दिया डेल्टा t टेंस टू तो जीरो और ये पूरा हमने ट्राइंगल लिख दिया अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये यह मान भी रखा है डेल्टा टी इसकी जो डिस्टेंस है ये पूरा जब कर वना तो टी टाइम लगा तो यहाँ पर जो टाइम है वो डेल्टा टी है थोड़ा सा कुछ होगा तो हमने उसको

कहाँ से मिलेंगी तो भाई अभी हमने आपको बताया दो ट्राइंगल है एक ट्राइंगल का तो काम हो गया अब क्या करेंगे दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे जो ये वाला ट्राइंगल दे रखा है इस ट्राइंगल का नाम क्या है भाई ओ क्यू और एम तो ओ क्यू एम में क्या करेंगे पहले तो हम लगाएंगे साइन फिर उसके बाद लगाएंगे कॉस का फॉर्मूला भाई साइन थीटा क्या होता है बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण पढ़ा ही होगा आपने और उसके बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण तो दोनों के हमने आपको फॉर्मूले बता दिए अगर आपको नहीं पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो हमने यहाँ पर क्या किया ये वाला एंगल ले लीजिए पूरा इन ट्रायंगल ओ क्यू एम अब इसमें बताइए अगर आप यहाँ पर निकालेंगे साइन इसमें पूरा एंगल क्या चल रहा है यहाँ पर देखिए पूरे ध्यान से इस वाले कर्व में मतलब इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है डेल थीटा है ना तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे साइन थीटा ठीक है यहाँ पर जो भी एंगल चल रहा होता है वो लिखते हैं जैसा कि अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था तो ये यहाँ पर एंगल क्या चल रहा था फाइव तो हमने क्या लिया था टेन फाइव ऐसे यहाँ पर एंगल क्या चल रहा है डेल थीटा तो हमने ले लिया डेल थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अब इस वाले ट्रा में परपेंडिकुलर क्या होगा जो भी एंगल के जस्ट सामने वाला होता है वही परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल है इसके जस्ट सामने कौन है क्यू एम तो ऊपर हो जाएगा क्यू एम अपॉन में क्या होता है कर्ण होता है तो कर्ण क्या है भाई ये हो जाएगा कर्ण यानी कि ओ क्यू ओ क्यू क्या है कर्ण है चाहे आप ओ क्यू लिख लीजिए इसकी वैल्यू भी हमको पता है क्या है इसकी वैल्यू आर प्लस में डेल आर यानी ये आ जाएगी आपकी वैल्यू साइन डेल थीटा की ठीक है तो ये वैल्यू हम यहाँ पर अभी आपको दिखा भी दे रहे हैं लिख कर भी यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया वैसे ही सेम बिल्कुल साइन डेल थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया अब यहां से हम क्यू एम की वैल्यू निकाल लेंगे ये इधर पहुंच

फॉर्मूला खोल दिया यहाँ से ओएम की वैल्यू निकाल ली और ओ की तो पता ही हमें आर, रहा है क्योंकि ओ क्या है हमारा रेडियस वैक्टर है ये हमने कर्व में ही आपको दिखा दिया था अब बात आ रही है आपने निकाल दिया है क्यूएम अब पीएम की जरूरत पड़ रही है यानी कि अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी ये पी तो ये पी कैसे निकालेंगे आपको ये वाली डिस्टेंस पता है और ये टोटल भी पता है तो यानी ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे ये जो टोटल है यानी ओ जो है इसमें से ये ओ को माइनस कर दीजिए यानी जब आप

मत लीजिए साइन एक्स की जगह पे डेल थीटा ले लीजिए पूरी सीरीज में आपको क्या करना है एक्स को रिप्लेस कर दीजिए थीटा में तो उसका पहला टर्म क्या आएगा साइन में पहला टर्म क्या होता है एक्स होता है ना तो उसकी जगह डेल थीटा रख दीजिए मतलब कि साइन थीटा बराबर हो सकता है डेल थीटा के तो हमने क्या किया इस साइन थीटा की जगह डेल थीटा रख दिया कहां से लेकर आए तो भाई हमने आपको इनडिटर्मेंट फॉर्म में जो साइन एक्स का फॉर्मूला बताया था वहीं से इसको हमने किया है उसके बाद कॉस एक्स की जब आप सीरीज खोलेंगे तो वहां पर भी वही करना है एक्स को हटा कर आपको क्या करना है डेल थीटा कर देना है इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है वन से वन फिर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू

लिमिट हटेगी तो आई होप ये प्रूफमेंट फिलहाल तो बहुत आसान है फिर से एक बार बता देते हैं वो कुछ ज्यादा नहीं किया बस आपको इस कर्व को याद रखना है पहले आप एक बार कर्व बना लेंगे इसमें दो ट्रायंगल हैं इस वाले ट्रायंगल में आप पहले tan phi निकालेंगे तो tan phi बराबर आप लिमिट लगाकर आ जाएगा लिमिट टेथी ए, डेल टी टेंस टू ज़ीरो और आ जाएगा क्यू एम अपॉन में पी एम जब आप यहाँ पर टेन फाइव लगाएंगे फिर उसके बाद क्यू एम और पी एम की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आप इस वाले ट्राइंगल से निकालेंगे बस दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके आगे आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका ये जो प्रूवमेंट है वो हो जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रूवमेंट है तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा इस क्लास में इतनी रखते हैं साथ में भी बता देते हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो वहां भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी क्लासेस हैं उसकी लिंक और साथ में पीडीएफ नोट जो भी होता है वहीं पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो इस क्लास में इतने रखते हैं अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग तब तक के लिए जय हिंद जय भारत